दोस्तों भाई, हम बात करेंगे ग्लैंड फार्मा के स्टॉक के बारे में। ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो एक स्टॉक है, ये हमको पिछले लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज हमको यहाँ पे स्टॉक में 0.42% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के बाद भी जो स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर टिका हुआ है। तो यहाँ से अगर स्टॉक में इस सपोर्ट लेवल से अगर यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी आती है, तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1785 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है, देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1905, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2051, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2255, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2454 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है, तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 1677 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1578, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1465 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।